बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर इहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये उन लोगों के लिए है जो आपके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर करने में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं ताकि आपको किसी तरह से नाकाम किया जाए। अगर आप जो मैं अमल बताने लगी हूँ इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपके सामने खुल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है। जैसा कि ज़िंदगी के हर शोबे में हासिदीन से लाजमी सामना करना पड़ता है जो आपके खिलाफ कोई ना कोई तदबीर सोचते रहते हैं, इनके शर से बचने के लिए ये अमल लाजवाब है। या फिर किसी मसले में फंस जाएं और समझ ना आए कि क्या बेहतर है तब ये अमल कीजिए। जो भी पोशीदा बात होगी इंशाल्लाह वो वक्त से पहले मालूम हो जाएगी। अमल करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि जो बात भी आपने मालूम करनी हो वो एक कागज़ पर लिख के इसके चारों तरफ ये आयत लिखें, वो आयत मैं आपको भी बताती हूँ, और अपने पास रख लें और हर वक्त इस आयत का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ताला जो भी बात होगी वो आप पर खुल जाएगी। आयत कुछ इस तरह से है, एमालू मा शेतुम इन्नहु बिमा तामलूना बसीर। इस आयत को आपने एक कागज़ पर लिखकर अपने पास रख लेना है और चारों तरफ उस कागज़ के लिख लेना है, और जो बात आपने मालूम करनी है वो एक कागज़ पर लिखकर इसके चारों तरफ ये आयत आपने लिख लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी बात होगी वो आप पर खुलकर सामने आ जाएगी और साथ आपने इस आयत का विर्द करते रहना है। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।